नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यापीठ शाला परिवार वती हूँ संजय सिंह सरविया। आजना वीडियो लेक्चर में आपनों हार्दिक स्वागत करूँ छू। विद्यार्थी मित्रों, अगाउना वीडियो लेक्चर में तमने राहुल भाई प्रकरण नंबर चार में प्रवृत्ति नंबर चार सुधी से तमने अभ्यास करायो छे, जेमा छेल्ले प्रवृत्ति चार में तमने द्राव्य पदार्थों अने अद्राव्य पदार्थों जे पाणी में एमा तमने तफावत पण समझावेलो छे, अने कोष्टक चार पॉइंट जे त्रण छे एमा विविध घन पदार्थों ने पाणी में मिश्रित करवा, जेमा मीठू पण उदाहरण में लीधुं हतुं, खांड, रेती, चोकनो भूको अने लाकड़ानो वहेर ए जोवानुं हतुं के आपणे पात्रमां नाखी के पाणी में द्राव्य द्राव्य एटले के ओगळे छे के अद्राव्य अद्राव्य एटले के ओगळता नथी। न्यां सुधीनो तमे अभ्यास कर्यो छो ए आगळ तमे घन पदार्थो जोया हता, हवे तमारे जोवाना छे प्रवाही पदार्थो। तो आपणे अहींथी शरू करीए प्रवृत्ति नंबर पांच, के आपेल प्रवाही पाणी में मिश्रित थाय छे के मिश्रित थता नथी ते तपासवो, एटले के जे आपणे प्रवाही लीधेला छे ई पाणी में ओगळे छे के ओगळता नथी एना विषे अभ्यास करवानो छे। त्यारबाद एमां कोष्टक नंबर चार पॉइंट चार एमां आपणे पांच उदाहरण लईशुं प्रवाहीना, एमां केटलाक प्रवाही छे ए पाणी में द्राव्यता एटले के पाणी में ओगळता छे ने केटलाक छे ए पाणी में ओगळता नहीं होय। तो आपणे शुरू करीए प्रवृत्ति नंबर पांच। हवे प्रवृत्ति नंबर पांच, आपेल प्रवाहीओ पाणी में मिश्रित थाय छे के मिश्रित थता नथी ते तपासवानुं छे। सेमा तो के पाणी में मिश्रित एटले के एमां भळी जाय छे के भळता नथी। हवे जो अहींया उदाहरण आपेला छे, आपेल प्रवाही के जे तमारा पाठ्यपुस्तक में उदाहरण आपेला छे ते हवे एमां जोईए। पहेलो तो के सरको अथवा तो एनुं बीजुं नाम छे विनेगर, अने एनुं वैज्ञानिक रासायनिक नाम छे एसिटिक एसिड, एवुं नाम छे। ए एक आपणे प्रवाही लेवानुं छे। त्यारबाद सरसवनुं तेल ए प्रवाही लेवानुं छे, लींबूनो रस, नाळियेरीनुं तेल अने केरोसिन, आ छे आपणा पांच प्रवाही पदार्थों अथवा तो घटकों। हवे आपणे साधन सामग्रीनी वात करीए, आपणे केटला लीधा छे पांच प्रवाही लीधेला छे, एटला माटे साधन सामग्री में जो के कासना पांच पात्र, केम के आपणे पांचे पांच प्रवाही छे एनो आपणे प्रवृत्ति करवानी छे। त्यारबाद आपणे कोनामां मिश्रित छे के थता नथी एवुं जोवानुं छे, तो के पाणीमां, तो एटला माटे पाणी अने आजे प्रवाहीओ छे पांच एने आपणे बीजू कोई प्रवाही होय तो द्रावण होय तो आपणे एने ड्रॉपर वडे लईए। हवे आने आपणे ड्रॉपर वडे लईए ने एटला माटे आपणे एने समची वडे उपयोग करवो पड़े, एटले माटे आपणे समचे साधन सामग्रीमां राखी छे। तो पहेला आपणे वात करीए पद्धतिमां, सौ प्रथम शुं करवानुं छे, तो के आ जे पांच प्रवाही छे एने भरवा माटे कासना पांच पात्र लो। हवे दरेक पात्र में अर्धे सुधी पाणी भरो, पहला शुं करवानुं छे पांच पात्र लेवाना छे, अने ई जे पात्र छे आया तमने जो आकृति चार पॉइंट पांच में तो के अर्धे सुधी छे आमां पाणी अने जे आपणा प्रवाही छे ए नाखीने दर्शावेलुं छे, पण आवी रीते अर्धे सुधी छे ए पाणी आया तमे आकृति बे में जोशो तो जो अहीं सुधी पाणी छे अने आ जे उपरनुं प्रवाही छे अलग पड़ी गयुं छे, के एटलुं जे त्रण चमची आपणे जे माप लेवानुं छे ए पाणीमां मिश्रित नथी थतुं, एटले आ जे अर्धी टेस्ट ट्यूब अथवा तो कोई पात्र छे तो त्यां सुधी पाणी लेवानुं छे। हवे दरेक पात्रमां अर्धे सुधी शुं करवानुं छे, पाणी भरवानुं छे। हवे पहेला पात्रमां आपणे पहेलुं उदाहरण कयुं छे सरको छे अथवा तो विनेगर, तो त्रण चमची सरको अथवा तो विनेगर अने बीजा पात्र में त्रण चमची, बीजू उदाहरण क्यूँ से सरसवनू तेल, तो एने उमेरो। कटलू कटलू लेवानू छे, पहला शू करवानू छे तो के पांच पात्र लेवाना छे, एमा पहला तो अर्धे सुधी पाणी भरी देवानू छे। त्यारबाद
तो के त्रण चमची कोईपण प्रवाही आपणे पांच प्रवाही है तो ये बधाने त्रण चमचीनुं माप छे तो त्रण चमची से ये पाणी भरेला जे पात्र छे एमां नाखवानुं छे पहेला सरको पछी सरसवनुं तेल। हवे एवी रीते क्रम में पांच पात्र लीधा तो पाछळ गया बधा लींबूनो रस नारियेळीनुं तेल अने केरोसन तो त्रण त्रण चमची छे ए नाखी देवाना छे ए आपणे जोईए आगळ। तो जो त्रीजा चौथा अने पांचमा पात्र में अनुक्रमे लींबूनो रस नारियेळीनुं तेल अने केरोसन केटलुं नाखवानुं छे त्रण त्रण चमची उमेरो। हवे शुं करवानुं छे तो के दरेक पात्रना प्रवाही मिश्रण ने चमची वड़े बराबर हलावो। पांच पात्र लेवाना छे पांच एमां अर्धे सुधी पाणी भरी देवानुं छे अने आपेला जे आपणे पांच प्रवाही छे ए त्रण त्रण चमची उमेरी देवाना छे अने हुं करवानुं छे ए चमची वड़े बराबर हलावाना छे। हवे दरेक पात्र ने पांच मिनिट सुधी रहेवा दो चमची वड़े बराबर हलावीने केटली मिनिट पांच मिनिट सुधी रहेवा दो मिश्रित थाय छे के नहीं ए जोवा माटे। हवे पांच मिनिट पछी दरेक पात्र में आपणे जे प्रवाही लीधा छे ई पाणी साथे सारी रीते मिश्रित थयुं छे के नहीं तेनुं अवलोकन करो। ए जे पांच प्रवाही छे ए पाणी साथे सारी रीते मिश्रित थयुं छे के नहीं ते जोवानुं छे। तमारा पाठ्यपुस्तक में जो अहीं आकृति आपेली छे तो पेलो जे पात्र तमने देखाय छे एमां सारी रीते छे ए मिश्रित थई गयेलुं छे अने बीजुं जे पात्र छे एमां सारी रीते मिश्रित थयेलुं नथी पाणीथी अलग थई गयेलुं छे एवुं देखाय छे। हवे आमां आपणे जे पांच प्रवाही लीधा एमां क्या प्रवाही से सारी रीते मिश्रित थाय छे अने क्या प्रवाही सारी रीते मिश्रित थता नथी ए आपणे जोईए। तो के आजे पांच मिनिट पछी पात्र में प्रवाही पाणी साथे सारी रीते मिश्रित थया छे के नहीं तेनो अवलोकन करवानुं छे अने तमारा अवलोकनो छे ए कोष्टक 4.5 में नोंधवाना छे। आ तमारा पाठ्यपुस्तक में नथी पण आवी रीते आपणे माप लेवानुं छे आवी रीते रेडवानुं नथी पण त्रण चमची छे आपणे अर्धे सुधी जे पात्र भरेला छे एमां रेडवानुं छे। तो आगळ आपणे कोष्टक जोईए 4.4 तो केटलाक सामान्य प्रवाहीनी पाणी में द्रव्यता एटले के मिश्रित थाय छे के नहीं एमां आपणे जोईए कोष्टक पहला प्रवाही तो प्रवाही आपणे पांच लीधेला छे कया कया था सरको विनेगर सरसवनुं तेल लींबूनो रस नारियेळीनुं तेल अने केरोसिन आटला आपणे पांच छे ए प्रवाही लीधा था। हवे शुं करवानुं छे तो के सारी रीते मिश्रित थाय छे के सारी रीते मिश्रित थतुं नथी ए तमारे अवलोकन करीने आपणे आ कोष्टक 4.5 में नोंधवानुं छे। हवे ज्यारे आपणे अर्धा जे पात्र छे एमां पाणी भरेलुं छे ने त्रण चमची ज्यारे सरको मूकीने बराबर हलावीने पांच मिनिट आपणे राखीए छे तो ए तमे जोजो तो ए सारी रीते मिश्रित थाय छे। क्यूँ प्रवाही सरको अथवा विनेगर त्यारबाद एवी रीते तमे सरसवनुं तेलने नाखशो तो ये पाणी में ई अलग पड़ी जशे एनुं स्तर छे अलग बनी जाए मिश्रित थतुं नथी। त्यारबाद लींबूनो रस ए बधाए जोयुं छे के ज्यारे शरबत बनावे छे त्यारे लींबू छे ए सारी रीते मिश्रित थाय छे। त्यारबाद नारियेळीनुं तेल तो तमे एने पाणी में त्रण चमची नाखशो तो ए मिश्रित थतुं नथी। त्यारबाद केरोसन एने पण तमे पाणी में नाखो तो ए पण मिश्रित थतुं नथी। तो मिश्रित छे ए कया कया आपेला जे प्रवाही छे मथ्या छे तो एक तो सरको विनेगर अने बीजू लींबूनो रस ए पाणी में सारी रीते मिश्रित थाय छे। तो आपणे अवलोकन में लखी शकीए के सरको अथवा तो विनेगर अने लींबूनो रस हुं थाय छे पाणी साथे सारी रीते मिश्रित थाय छे ज्यारे सरसवनुं तेल नारियेळीनुं तेल अने केरोसन छे ए पाणी साथे सारी रीते मिश्रित थता नथी। तो आपणे निर्णय में आपणे कही शकीए जो मिश्रित थई गया होय तो आपणे एवुं कही शकीए द्रव्य छे अने मिश्रित नथी थता तो आपणे एवुं कही शकीए ए मिश्रित थता नथी एटले के अद्रव्य छे एवुं आपणे कही शकीए अथवा तो द्रव्य नथी एवुं पण कही शकीए। तो आपणे निर्णयमां जोईए सरको विनेगर अने लींबूनो रस हुं छे पाणीमां द्रव्य छे केम के ए सारी रीते मिश्रित थाय छे। हवे सरसवनुं तेल नारियेळीनुं तेल अने
केरोसिन पानी में द्राव्य नहीं, केवा छे? अद्राव्य छे, द्राव्य नहीं एम कीधुं, एटले के मिश्रित सारी रीते थता नहीं। हवे ए पानी में द्राव्य नहीं एटला माटे पानी अने प्रवाहीनुं अलग स्तर थाय छे। शुं थाय छे? ए जो मिश्रित न थाय तो एनुं अलग स्तर थई जाय छे, त्यांथी आपणे खबर पड़ी जाय कि आ छे सारी रीते मिश्रित थयेला नहीं। फरी वखत एक वखत आपणे आकृतिमां जोईए तो आ जो पहली आकृति छे एमां आपणे प्रवाही छे ए सारी रीते मिश्रित थाय छे, ज्यारे आ बीजु पात्र छे एमां ए त्रण समची नाखीए तो ए सारी रीते मिश्रित थतुं नथी। केम? ए द्राव्य नथी थतुं अने ए अलग स्तर बनावे छे। तो आ रीते आपणे जोयुं के केटलाक प्रवाही छे ए पाणीमां द्राव्य छे अने केटलाक छे द्राव्य नथी। एवी रीते तमे कोष्टक 4.3 मां आगळनी प्रवृत्તિ 4 मां पण जोयुं के घन पदार्थो કે જે આપણે અડીએ તો કઠણ હોય અને આ પ્રવાહી જે પાણી જેવો હોય, તો ઘનમાં મીઠું છે, ખાંડ છે, એ પાણીમાં કેવા હતા? તો કે અદ્રશ્ય, આપણે એવું લખવાનું હતું દ્રશ્ય થાય છે કે અદ્રશ્ય, તો એ મિશ્રિત થાય છે। જ્યારે રેતી છે, શોકનો ભૂકો છે અને લાકડાનો વહેર છે એ મિશ્રિત થતા ન હતા। એવી રીતે આપણે આ જે 5 પ્રવાહી છે એમાં પણ જોયું। હવે આપણે આગળ જોઈએ કે આપણે એ જોઈ શકીએ છીએ કે કેટલાક પ્રવાહી છે એ પાણીમાં સંપૂર્ણપણે મિશ્રિત થાય છે। આપણે વિનેગર અને લીંબુનો રસ જોયો કે એ પાણીમાં સંપૂર્ણપણે મિશ્રિત થાય છે અને કેટલાક છે એ મિશ્રિત થતા નથી। તો એમાં આપણે કયા કયા પદાર્થો જોયા? તો કે એમાં સરસવનું તેલ છે, નાળિયેરનું તેલ છે અને કેરોસીન છે, એ મિશ્રિત થતા ન હતા। અને થોડા સમય સુધી બાજુ પર રાખી મૂકવાથી પાણી પર એક અલગ સ્તર બનાવી દે છે। કયા? કે જે મિશ્રિત થતા નથી એ પ્રવાહી। હવે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જો કે એમાં બુજો એવું સૂચન કરે છે કે આપણે એ શકાય છે કે પ્રવૃત્તિ 5માં ઉપયોગમાં લીધેલ પ્રવાહીઓ પાણી સિવાય અન્ય કોઈ પ્રવાહી સારી રીતે મિશ્રિત થાય છે કે નહીં, તે આપણે જોવાનું છે। હવે આગળ આપણે જોઈએ, હવે પહેલી એ જાણવા ઉત્સુક હતી, પહેલી જાણવા માગે છે કે શું વાયુ પણ પાણીમાં દ્રાવ્ય એટલે કે ઓગળી જાય છે કે નહીં। આપણે આગળ પહેલાં જોયું ઘન પદાર્થો, ત્યારબાદ પ્રવાહી, હવે કોની વાત કરવામાં આવી? તો કે વાયુ। તો કે પહેલી છે એ જાણવા માગે છે, ઉત્સુક છે કે વાયુ છે એ પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ જાય છે કે નહીં। તો આપણે જોઈએ કે કેટલાક વાયુ છે એ પાણીમાં દ્રાવ્ય છે, એટલે કે કેટલાક પાણી છે એ પાણીમાં ઓગળેલા છે, વાયુ છે, બરાબર। હવે આપણે જોઈએ કે જે પાણીમાં વસવાટ કરતા હોય, સમુદ્ર છે, નદી છે, તો એની અંદર માછલીઓને એવા જે પ્રાણીઓ રહે છે તો એ કોનો ઉપયોગ કરે છે? તો કે એ પાણીમાં ઓગળેલો એટલે કે દ્રાવ્ય થયેલો ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરી શકે। તમે ક્યારેક અનુભવ્યું છે કે તમે એ માછલીને પાણીની બહાર કાઢો તો એ વાતાવરણમાં રહેલો ઓક્સિજન, આપણે કોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? વાતાવરણમાં રહેલો ઓક્સિજન, તો આપણે એના ઉપયોગથી આપણે જીવીએ છીએ। જ્યારે માછલી છે એને તમે પાણીમાંથી બહાર કાઢો તો એ વાયુનો, વાતાવરણમાં રહેલો વાયુ છે એનો ઉપયોગ કરી શકતી નથી, એ માત્ર જે પાણીની અંદર ઓગળેલો ઓક્સિજન હોય એનો જ ઉપયોગ કરી શકે છે। એટલે તમે પાણીમાંથી બહાર કાઢો એટલે તડફડીને મરી જાય છે, કેમ કે એ વાતાવરણનો જે ઓક્સિજન છે એ લઈ શકતું નથી, એ માત્ર પાણીમાં ઓગળેલો હોય ઓક્સિજન એ જ લઈ શકે છે। હવે જ્યારે કેટલાક દ્રાવ્ય નથી, કેટલાક વાયુ છે એ પાણીમાં દ્રાવ્ય છે, જ્યારે કેટલાક વાયુ પાણીમાં દ્રાવ્ય નથી, જેમ આપણે ઘન પદાર્થમાં જોયું પ્રવાહી જે પદાર્થ છે, અથવા તો એ આપણે ઉદાહરણમાં જે પદાર્થ લીધેલા છે એમાં જોયું, અને હવે આપણે જોવાનું છે વાયુનું। હવે સામાન્ય રીતે કેટલાક વાયુઓ પાણીમાં થોડી માત્રામાં દ્રાવ્ય થયેલા હોય છે, એટલે કે પૂરેપૂરા નહીં પણ થોડીક માત્રામાં કેવા થયેલા હોય? દ્રાવ્ય થયેલા હોય છે। જો અહીં તમને ઉદાહરણ આપેલું છે કે પાણીમાં દ્રાવ્ય ઓક્સિજન વાયુ, તો આપણે જોયું કે ઓક્સિજન વાયુ છે એ થોડોક છે એ થોડી માત્રામાં ઓગળેલો દ્રાવ્ય હોય છે। હવે પાણીમાં રહેવાવાળા પ્રાણીઓ તેમજ વનસ્પતિના જીવન ટકાવવા માટે
अत्यंत महत्वपूर्ण हो जे द्रव्य ऑक्सिजन पानी नी अंदर उगड़ेलो जे ऑक्सिजन छे ई वनस्पति जे पानी में रहती होई अने जे पानी में रहेवा वाला प्राणी होई एना जीवन टकावा माटे अत्यंत महत्वपूर्ण होई छे। तो आपणे जोयुं के प्रवाही छे ए कई रीते द्रव्य होई केटलाक द्रव्य होई ने केटलाक अद्रव्य होय छे मिश्रित होय छे ने मिश्रित होता नथी। तो आपणे आगळना वीडियो लेक्चर में आज वायुओ छे कई केटलाक वायु छे ए द्रव्य छे ने केटलाक वायुओ छे ए अद्रव्य छे तो एना विषे आपणे अभ्यास करीशुं। तो आजना वीडियो लेक्चर में बस आटलुं अस्तु।